नमस्कार दोस्तों मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब पर आपका स्वागत करता हूं दोस्तों की ग्रुप सी भर्तियों के रिजल्ट आने वाले हैं क्या शुरू हो रही है इसके पीछे का क्या कारण है इसके अलावा कोर्ट केस से रिलेटेड जो इकतीस जनवरी को सुनवाई होनी है उससे रिलेटेड भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आपका प्यार मोटिवेशन सिर्फ सब्सक्रिप्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है यानी कि वो संख्या है जो हमें लगातार मोटिवेट करती रहती है अब बात साथियों मुद्दे की कर लेते हैं कि पहले हम कोर्ट केस की बात करें तो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का नंबर कहें या फिर आरक्षण की बात कहें ये एक ऐसा इश्यू है जिसको चाहे साथियों रिजर्व कैटेगरी के आरक्षण की बात ले लीजिए अगर आरक्षण जिसको मिल रहा है वो साथी चाहता है कि आरक्षण लगातार लागू रहे

जो भी बड़ी बड़ी भर्तियां हुई उनमें ज्यादातर कैंडिडेट वही सिलेक्ट हुए हैं जिनके पास पांच नंबर या दस नंबर या जो भी क्राइटेरिया था वो नंबर थे पुलिस भर्ती में तो आपने पहले देखा भी होगा बीस बीस नंबर का क्राइटेरिया दिया गया था टेस्ट के अलावा यानी कि जिस कैंडिडेट के पास एक्स्ट्रा नंबर नहीं होते थे वो कैंडिडेट सेलेक्ट ही नहीं हो पाता था लेकिन अब एच एस ने भी उसके ऊपर संज्ञान लिया था ऐसी बात नहीं है कि संज्ञान नहीं लिया था उसको ढाई नंबर किया गया लेकिन अब उसके ऊपर भी जो सवालिया निशान खड़, खड़ा करते हुए कोर्ट केस हो रखा है तो इकतीस जनवरी को साथियों इसमें धमाकेदार अपडेट आने की संभावना ही लगातार बनी हुई है क्या अपडेट आएगा यह तो अभी तक कहना जल्दबाजी होगी लेकिन साथियों हमारा मानना यह है कि जो भी अपडेट आए वो युवाओं के पक्ष में आए जो आज सुबह आपने न्यूज़पेपर में भी देखी होगी कि जो नेगेटिव माहौल फैल रहा है तो साथियों नेगेटिव माहौल तो होगा युवाओं में जब भर्तियां नहीं होंगी तो नेगेटिव माहौल युवाओं में नहीं होगा तो किस में होगा क्योंकि भर्तियों की आस लगातार बनाए हुए युवा रहता है और लगातार वो तैयारी करता रहता है कब एग्जाम होगा कब इसका रिजल्ट आएगा कब डीवी होगा तो साथियों उसमें जब तक कोई प्रोसेस कंप्लीट यानी कि भर्ती सिरे नहीं चढ़ जाती तब तक युवा निराश इसलिए रहता है कि अगर तेरा इस भर्ती में नहीं आया तो अगली भर्ती में आएगा लेकिन यही भर्ती पूरी नहीं हुई तो अगली कहां से आएगी तो इससे साथियों युवाओं की उम्मीदों को झटका तो लगता है लेकिन संभावना है कि अब परसेप्शन में सुधार करने के लिए हरियाणा सरकार कोशिश करे और युवाओं को जल्द से जल्द नौकरी दे लेकिन 31 तारीख को समाधान निकलने की पूरी पूरी संभावना ही लगातार बनी हुई है और बड़ी इसमें कड़ी बहस होने वाली है अब बात कर लेते हैं साथियों रिजल्ट की पिछले दो तीन दिन से लगातार अपडेट चल रहे हैं कि रिजल्ट आने वाला है रिजल्ट आने वाला है इस भर्ती का आएगा इस भर्ती का आएगा साथियों हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जनवरी माह में कोई रिजल्ट नहीं आएगा फरवरी माह के फर्स्ट वीक या उसके बाद से रिजल्ट आने आपके शुरू होंगे उससे पहले रिजल्ट आने की संभावनाएं के बराबर हैं फिलहाल हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है आपको बता दें ग्रुप डी और ग्रुप सी के भी कुछ रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है का तो आइए आएगा लेकिन ग्रुप डी का रिजल्ट तो अभी पंद्रह फरवरी के बाद मानिएगा आप उससे पहले आने की संभावनाएं कम नजर आ रही है लेकिन ग्रुप सी के कुछ पदों के रिजल्ट की तैयारी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर रहा है लेकिन इकतीस जनवरी को डिसीजन होगा उसके बाद से और महत्वपूर्ण मीटिंग होकर चर्चा होने वाली है क्योंकि इकतीस जनवरी का डिसीजन है उसका इंतजार सभी कर रहे हैं उसके ऊपर सबकी नजर टिकी हुई है अब आप भी वेट करिएगा लेकिन अभी कोई रिजल्ट नहीं आने वाला पैनिक होने की जरूरत नहीं है जब भी कोई इंफॉर्मेशन आएगी रिजल्ट से रिलेटेड वो आप तक जरूर शेयर की जाएगी ऐसे ही भारतीयों से रिलेटेड जानकारी के लिए आप चैनल के साथ बने रहें अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद